कभी कभी क्या होता है कि जब आपका YouTube चैनल नहीं चल रहा होता और आप हार चुके होते हैं, आपको लग रहा होता है कि आप YouTube के लिए नहीं बने हैं, तो इससे पहले कि आप अपने चैनल को बंद करें, काम करना छोड़ दें, उससे पहले आपको अपने एक बार अपने चैनल पर तरीके को बदल के काम फिर से नए सिरे से शुरू करके देखना चाहिए, ताकि आपका चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा। और यकीन मानो, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल आज दिखाने वाला हूं, जिसमें एक बंदे ने इसी तरह से अपने चैनल को छोड़ दिया था, लास्ट तक वो हार गया था, और उसके बाद अपने तरीके को उसने बदल करके अपने चैनल को ग्रो कर लिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही लाइव एग्जाम्पल के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो मैं अभिषेक सिन्हा आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में, जहां पर मैं आपको एक नए तरीके के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर यदि आप काम करते हो तो आप यकीन मानो आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर बिना आपके समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप मेरी बातों को सुन करके पक जाएं, इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हैं, जहां पे आपको ये एक चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, और इस चैनल का नाम है इट्स जिन्यून अटवाल। जी हाँ, इस चैनल को एक मैडम लीड करती है। इसकी जो मैडम है वो पहले इस चैनल पे ब्लॉग का काम करती थी, फिर उन्होंने जब अपने चैनल पर देखा कि उनका ब्लॉग चैनल नहीं चल रहा है, 2 साल पहले उन्होंने अपने चैनल पर ब्लॉगिंग शुरू किया था। अब एक समय था कि जब सारे यूट्यूबर जो थे, जो नए नए आ रहे थे यूट्यूब पे, सारे लोग ब्लॉगिंग चैनल पे काम कर रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि वो भी एक स्टार बन जाएंगे, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, सब लोग सब चीज़ के लिए नहीं बने होते हैं। तो इन्होंने भी समझ लिया इस बात को कि वो ब्लॉग के लिए सुटेबल नहीं है, तो उस केस में उन्होंने अपने लिए एक नया चैनल एक नए आइडिया के साथ शुरू किया, जिसका नाम है इट्स जीनियस अटवाल, और इस पर इनके 1.57 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि लगभग 15 लाख सब्सक्राइबर इनके इस चैनल पे हो चुके हैं, और इनमें आप देखोगे 275 वीडियोज़ हैं। अब आप कहोगे 275 वीडियोज, ये वीडियोज ऐसी वीडियोज है जिन्हें आप एक दिन में 5 से 10 भी बना सकते हैं, तो डिटेल में यहाँ पे जानेंगे एक एक करके। उससे पहले आप यहाँ देख लो इनकी जो चैनल पे है, जो वीडियो है वो किस तरह की वो वीडियो बनाते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो को प्ले नहीं कर सकता, वरना कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है। तो उससे बचने के लिए आप एक काम करो, अपने इस वीडियो को पहले पॉज करो, अपने YouTube पे जाओ, अब वहाँ पे आप सर्च करो इनके चैनल का नाम इट्स जीनियस अटवाल, और वहाँ पे आप इनकी वीडियोस को पहले देख लो ये कैसा काम करते हैं, और जब आप देख लोगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये बहुत ही इजी जो काम कर रही हैं, बहुत इजी। और इसमें इन्होंने अपने फेस को भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ वॉइस ओवर ये करती हैं, और अपने चैनल पर अच्छे खासे व्यूज ये ला रही हैं। और इनके चैनल को यदि मैं डिटेल में चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके चैनल को बने हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुए हैं, 24 जुलाई 2022, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, और इनके चैनल पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, मायने रखता है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर, वो भी समझो कि 1 साल से पहले। अभी इनको कितने महीने हुए होंगे, तो उधर से आप मान के चलो 5 महीना और इधर का 1 महीना, यानी 6 महीने में इनके लगभग 6-7 महीने में इनके 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर और 275 वीडियो इन्होंने बना दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने जो इन्होंने वीडियोज डाली है वो मैक्सिमम वीडियो इनकी शॉर्ट्स वीडियो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और यदि यहाँ पे मैं पॉपुलर वीडियोस की बात करूँ तो आप देख सकते हो 14 मिलियन 12 मिलियन 5.7 मिलियन 4.8 मिलियन 3.7 मिलियन 2.5 मिलियन इनके मैक्सिमम वीडियो जो है वो सारे के सारे वायरल हैं। जी हाँ, बहुत वीडियो इनके वायरल हैं। जब इनकी वीडियो शॉर्ट वीडियोज वायरल होने लगी तो इन्होंने लॉन्ग वीडियोज पर भी काम करना शुरू किया, और जब आप देख सकते हो, जब आपका एक फील्ड में आपका वीडियो चलने लगता है, जैसे कि शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो, तो आपको उसके साथ साथ आपका लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो भी चलने लगता है। तो इसलिए आप देख सकते हो इनके लॉन्ग वीडियोज पे भी इनके अच्छे खासे व्यूज आए हुए हैं, जो इन्होंने देख सकते हैं आप 2 हफ्ते पहले डाला था 1 लाख व्यू आया हुआ है, 2 दिन पहले डाला था जिसमें 46,000 व्यू आया हुआ है, 8 दिन पहले के वीडियोज पे 31,000, लॉन्ग वीडियोज पे व्यूज आए हुए हैं। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, इन्होंने क्या किया है कि पहले शॉर्ट्स वीडियोज पे इन्होंने काम किया है, और जब इनकी शॉर्ट वीडियो चलने लगी ना तो इन्होंने लॉन्ग वीडियोज पे भी काम करना शुरू किया, और इस तरह से इनकी अर्निंग हो रही है। अब आप सोच के देखो कि इनके चैनल पे जो व्यूज हैं वो कितने, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं, तब यहां पे मैं अर्निंग की बात करूंगा। तो यहां पे आप देखो इनके चैनल पे जो व्यूज है ना वो है 5,05,74,000 व्यूज इनके चैनल पर आए हुए हैं, और इनके आप सोच सकते हो 6 महीने में इनके 5 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज, यानी कि 5.5 करोड़ व्यूज इनके अपने शॉर्ट्स वीडियोज पे और लॉन्ग वीडियोज पे दोनों को मिला करके आए हुए हैं। तो इनकी अर्निंग क्या होगी आप सोच सकते हो, तो यदि आप एक अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि जनवरी से YouTube का जो नियम है वो शॉर्ट फंड का वो बदल चुका है, जनवरी के बाद जितने भी चैनल शॉर्ट्स वाले हैं उनको अब यूट्यूब की जो लॉन्ग वीडियोज है उनकी तरह उनको अब एड रेवेन्यू शेयर होता है उनके साथ। तो जहाँ तक इनकी बात है तो इन्होंने अभी तक कम से कम 6 महीने में ही 1 लाख रुपए तो अपने चैनल से कमा लिया होगा, और आने वाले दिन में यानी कि 2023 में इंड होते होते इनके चैनल पे जो अर्निंग होगी ना वो 5 लाख के करीब पहुंच जाएगी। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पुराने चैनल के बारे में आपको बताया होगा जिसका नाम है रिव्यू रिबिल्ड, उसमें आपको मैंने बताया था कि मैंने किस तरह से पिछले साल सिर्फ 15 से 20 लाख रुपये कमाए थे। उसी तरह से ये भी अपने चैनल पर काम करती है, और जैसे जैसे
इनका डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा चैनल पे, उस तरह से उनका चैनल पे अर्निंग भी बढ़ता जाएगा। अभी अपने चैनल पे करती क्या है कि आपको यूट्यूब पे एक चैनल मिल जाएगा जिसका नाम है 5 मिनट क्राफ्ट। जी हाँ, 5 मिनट क्राफ्ट पे जब आप जाओगे उनके चैनल को देखोगे तो वो क्या करते हैं कि आपको लाइफ हैक के रिगार्डिंग आपको वीडियोस वो बना के देते हैं, जिसको देखने और सीखने के बाद आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा आसान आप बना सकते हो। तो ये क्या करती हैं कि उनके एक एक घंटे दो दो घंटे के जो वीडियोज होती हैं उनको वो डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना छोटे छोटे वो 1 मिनट के 40 सेकंड के वो क्लिप काटती हैं और उसमें अपना वॉइस ओवर करती हैं और उसे यूट्यूब के शॉर्ट्स में वो अपलोड कर देती हैं। और इनको स्टार्टिंग में 3-4 महीने इनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा था, लेकिन 4th, 5th, 6th महीने में इनका जो चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियोज वायरल हुए, जिस कारण से इनका जो चैनल है वो जल्दी जल्दी इनका ग्रो होने लगा। और एट द एंड यानी कि 6 महीने के बाद इनके चैनल पे आपको 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप यदि एक बार आइडियाज लगाओगे ना, जब आप भी अपने चैनल पे, जब आपका चैनल नहीं ग्रो कर रहा है, उस केस में आपको भी सेम काम करना। आपको करना क्या है, आपको जाना है 5 मिनट क्राफ्ट वाले चैनल पे, वहाँ से आपको घंटे भर की वीडियो या फिर आधे घंटे से ऊपर की वीडियोज आपको डाउनलोड करनी है। उसमें से आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड की वीडियोज आपको काटनी है अपने अनुसार, और उसके बाद उसमें आपको एडिट करना है थोड़ा सा, और उसमें आपको थोड़ा सा इमोजी लगाना है। बीच बीच में आप 5-6 इमोजीज लगा देना, बैकग्राउंड म्यूजिक आप एक लगा लेना, और एक अच्छा सा आपको वॉइस ओवर उसमें कर देना है, जिसके बाद आपका जो शॉर्ट्स वीडियोज है वो देखने लायक बन जाए। और उसके बाद आप उसे चैनल पे अपलोड कर देना, और आप कुछ दिन यानी कि आपको 5-6 महीने दिया, आपने ऐसा मेहनत कर दिया तो आपके भी चैनल पे इस तरह से व्यूज आने लगेगा। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैंने अपने लास्ट 3-4 वीडियोज में भी आपको बताया था कि 5 मिनट क्राफ्ट वाले चैनल का यूज करके आप किस तरह से अपने चैनल पे ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को, और साथ में उससे आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, साथ में यदि आपके कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ आपके हमारे वीडियोस को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।